वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग विद भाटू बोलू शिवम बोलू जो बोल ले भाई भाटू यार जुबान पे चढ़ा हुआ है भाटू भाई के साथ आ चुके अपने पहले व्लॉग के साथ जैसा कि मैंने स्टोरी पे भी डाला था और कल स्ट्रीम पे भी बताया था कल क्या मतलब अब तो ये जब व्लॉग अपलोड होगा तब तो कल नहीं रहेगा बट हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स पॉडकास्ट स्ट्रीम पे जो बताया था कि हम लोग मैच देखने जाने वाले हैं और मैं व्लॉग करने की सोच रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना भाई कर ही ले सही बात है लेकिन भाटू भाई आज सुबह से जो हमारे साथ गतिविधि हुई है उसके बारे में कुछ कहना कुछ रोशनी डालना चाहते हैं अब क्या हुआ है हमारे साथ जरा एनलाइटन करें लोगों को बिफोर वी एक्चुअली गेट टू द स्टेडियम हम कल से वेट कर रहे थे कि जल्दी विकेट गिरे तो अपना इंडिया का बैटिंग आए सेकेंड इनिंग तो अपन जल्दी से जाए मैच देखने कल विकेट नहीं गिरा आज हम 40 मिनट ट्रैवल किए फिजिकल टिकट लेने के लिए उसमें भी नहीं गिरा उसके बाद हम सोचे कि एक काम करते हैं जब विकेट गिरी लंच होने वाला था तो लंच का टाइम हो रहा था मतलब वहां पे हम लंच क्या ही करेंगे स्टेडियम पे तो कुछ है नहीं और वन टाइम एंट्री होती है तो हम लोग एक बार गए तो बाहर नहीं आ सकते तो हमने सोचा कि खा पी के चलते हैं। जैसे ही लंच करने बैठे हैं 15 मिनट में जह गया सारा दिमाग ही खराब हो गया भाई और वो खाना ला नहीं रहे और मेरे को तो डर एक चीज का है बाटू भाई तो मतलब बहुत लेजिट डर जब तक हम पहुंचे आपने जिस बंदे की जर्सी खरीदी है स्पेशल फैन बॉय बन के मिस्टर रोहित शर्मा वो आउट ना हो जाए भाई जब तक हम पहुंचे मेरे को डर तो उस डर तो मेरे को है उस बात का डर है रोहित शर्मा की बैटिंग तो देखनी है भाई अब हम जा रहे और तो कोई है नहीं किंग तो है नहीं किंग होता तो हम तो मतलब सुबह से ही चले जाते शायद मेरे को ओपनिंग पार्टनरशिप देखनी है भाई यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की प्यारी पार्टनरशिप आज हो जाए मजा आ जाए फाड़ दे साला सब टारगेट कितने का है बाटू भाई फोर्थ इनिंग में 230 कुछ है 230 का टारगेट है क्या लग रहा है आज दो सेशन में हो पाएगा कि कल बचेंगे कुछ रन मेरे को लग रहा है आज पेलमपाल होगा भाई अब कुछ नहीं कल पार्टी डे अच्छा कल पार्टी डे है क्या बाटू भाई जरा यार टिकट तो दिखाओ यार अरे बिल्कुल हम एक्चुअली जा रहे हैं ऐसे ही कहीं चल के नहीं जा रहे हैं ये देख रहे हो भाई बाटू भाई की एक्साइटमेंट देखो यार तो हम लोग आपको मिलते हैं अब सीधा स्टेडियम एंट्री के टाइम हम पहुंच गए हैं दोस्तों अंदर सिक्योरिटी हो गया एक बार आगे तो चलो शायद रोहित शर्मा तो यहाँ है तो अंदर अच्छा सॉरी भाटू भाई है सॉरी तो अंदर बैटिंग कौन कर रहे भाटू भाई मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने अभी तो अच्छा रोहित शर्मा बाहर आने वाला है क्या हाँ। आउट हो ही गया होगा जाके देखना पड़ेगा अच्छा अंदर जा भाटू भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं चैट हम लोग अंदर पहुँच गए हैं और रोहित शर्मा आउट नहीं हुआ है रोहित शर्मा आउट नहीं हुआ तो बात सुन रहे हो ये सब भी जरूरी है बट अरे अरे अपील हो गई है यहाँ पे अंपायर ने तुम लोगों को व्यू भी दिखा देता हूँ यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहा है दोस्तों ऐसा कुछ व्यू है हमारा व्यू तो अच्छा है बट व्यू तो बहुत स्टेडियम है काफी भीड़ है भाई चैट भाटू भाई बहुत गंदी बातें कर रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ रोहित शर्मा ने बेचारे ने इतना अच्छा सिंगल लिया अभी कुछ सिंगल और भाटू भाई इज इन फुल शॉक क्यों ऐसे हो यार भाई तुम यार ये गलत बोल रहे हो भाटू भाई बोल रहे हैं कि अरे यार रोहित शर्मा भी भाग सकता है भाई सिंगल लेता है वो हाँ भाई एथलीट है वो ले सकता है सिंगल बिल्कुल ये जो शब्दों की अदला बदली हुई है कैरेक्टर वर्ड आ चैट बहुत मजा आ रहा है ये मेरा तो पहली बार है टेस्ट में इस तो टेस्ट मेरा ही पहला टेस्ट और इतनी सुलगती धूप में तो पहली बार बैठा हूँ जिंदगी में पहली बार बैठा हूँ भाई ठंड के महीने ऐसा लग रहा है चैट में आधा काला यहाँ से काला होने वाला हूँ सन बर्न पूरा टैनिंग खतरनाक बट देखते हैं थोड़ी देर में शायद धूप थोड़ा ढल जाएगी 3 बजे के आसपास तक तो फिर बेटर हो जाएगा 3-4 बजे के आसपास आखिरी का 1-1.5 घंटा अच्छा रहेगा चैट ये हमारे सामने बंदा खड़ा है जो आप समझ गए कौन है थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ विराट कोहली का फेवरेट
और बंदे इतने आराम जाते हैं यहाँ पे, बेंच टॉक चिल्ला रहे हैं, और हल्के से एक एक दो लोग वो भी है जो बेंच टॉक भी चिल्ला रहे हैं भाई। बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ पे, हम जब से आए हैं भाई एक सिंगल हुआ है भाई, बस एक आधा घंटा 20 मिनट हो गए हमको आए हुए। हम जब निकले थे स्टेडियम के लिए, चौके पे चौके पड़ रहे हैं, कहाँ गए चौके, लाओ वापस लाओ। ये हल्ला किस चीज पे हुआ पता चैट, तुमको लग रहा होगा चौका चला गया हल्ला हो गया, सिंगल हुआ है। टेस्ट क्रिकेट सिर्फ प्लेयर्स का टेस्ट नहीं है, सबका, ऑडियंस का भी टेस्ट, फैंस सबका टेस्ट है भाई। ऑडियंस में खुशी की लहर, आधे घंटे में पहला चौका, बहुत मजा आ रहा है चैट, हमारी शक्ल से दिख रहा होगा हमें कितना मजा आ रहा है। और हमने चावल अवल और खा लिए भाई, अब नींद आ रही है और गर्मी ला रही है, गर्मी लग रही है, और ऐसा अजीब टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया भाई चैट। टेस्ट मैच देखने मत जाओ भाई, दैट इज जस्ट माय एडवाइस, बाकी तो आप सक्षम हैं भाई। यशस्वी जायसवाल तो आउट हो गया, यशस्वी आउट हुआ है, रोहित शर्मा भी है, चेज हो रहा है कि नहीं, चेज तो आराम से चेज हो जाएगा, मेरे को पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये हल्ला हो रहा है, शुभमन गिल आ रहा है, शुभमन गिल, इस पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम यार प्रिंस के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो बच्चों, प्रिंस का पिछले कई मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रहा है, आज मारेगा सेंचुरी, वो छोड़ेगा तब मारेगा ना, दूसरा एंड वाला दो भी सही बात, वो सिंगल दौड़ने के मूड में रहता नहीं, डबल दौड़ रहा है भाई। आज हमने चमत्कार देखा अपनी आंखों के सामने, रोहित शर्मा डबल भागा है भाई, बहुत तेज। आज के बाद में कभी रोहित शर्मा को वड़ा पाव वड़ा पाव नहीं बुलाऊंगा, पतला है भाई रियल में, सामने से काफी फिट है भाई। अबे वो एडिटिंग का कमाल है, एडिटिंग करके मोटा बनाते हैं, सब एजेंडा है भाई मीडिया का, सब एक कोहली का वो चलता है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, पीआर टीम, पेड पीआर, सब एजेंडा है। रोहित शर्मा बहुत फिट आदमी है, बहुत फिट, वैसा ही फिट होना चाहिए, यू शुड डिजायर टू बी फिट लाइक हिम, हम तो यही सोचेंगे ना, हम कौन सा फिट है, मेरा टारगेट है। अरे शुभमन गिल आया बैटिंग करने, देखना तुम लोगों को, देखो क्या बोला था मैंने दोस्तों, चैट हमें वापस चले जाना चाहिए चैट, हमारे आते ही टीम की मां चल गई है, एक ओवर में 2 विकेट, क्या हम ही पनौती है चैट, पिछले 46 मैच में इंडिया सिर्फ 3 मैच हारी है, आज हम पहली बार मैच देखने आए हैं होम पे, हारेगी तो नहीं, क्या उम्मीद है, बस श्रेयस अय्यर के लिए इतनी हूटिंग हो रही है, लोकल है क्या यहाँ पे, लोकल है यहाँ पे, श्रेयस अय्यर के फैन है हैदराबाद में, आवाज सुन राहुल है बे, राहुल है नहीं है बे, राहुल है, हाँ केएल राहुल आया है भाई, वो श्रेयस अय्यर की गांड पड़ गई थी, श्रेयस अय्यर राहुल, आई लाइक इट, केएल राहुल यस, अब राहुल रोहित, मेरे को तो लग रहा है आज इंडिया ऑल आउट हो जाएगा, दैट इज माय भाई, ये सब क्यों बोलना, अरे मतलब मेरे को लग रहा है जैसे आउट हो रहे हैं भाई, अगर इंग्लैंड ये मैच जीत गई ना, इट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट इंडिया वन इन लॉर्ड्स, जब इंडिया ने ऑल आउट किया था इंग्लैंड को लास्ट में, वैसे ही इंडिया भी फंसी हुई थी उस मैच में, थर्ड इनिंग में इंडिया फिफ्थ डे स्टार्ट होने से पहले कुछ 7 विकेट डाउन थी, उसके बाद शामी बुमराह ने रन मार दिए थे 50-60 रन, और फिर इंडिया ने ऑल आउट कर दिया था, और वैसे ही होने वाला है यहाँ पे, देखते हैं अब क्या होता है, स्टे ट्यून्ड चैट। चैट भाडू भाई बोल रहे हैं केएल राहुल की पहली बॉल फेस कर रहे हैं, भाडू भाई बोल रहे हैं आउट होगा, क्या लग रहा है भाडू भाई, ऐसी प्रेडिक्शन क्यों दे रहे हो यार, डाल ले
डालने भाई, सही में डालने भाई, गर्मी है चैट, उसको भी देखना। ये स्लिप पे कैसी फील्डिंग हो रही है, देखिए ये पहली बार ऐसी फील्डिंग देखी है मैंने। फर्स्ट स्लिप देखो, घुटनों पे फील्डिंग कर रहा है घोड़ी बन के। ओए चैट, रोहित शर्मा ने मार दिए हैं दो चौके लगातार, और जैसे ऐसा लग रहा है कि नई ऊर्जा का संचार हो गया है क्राउड। मारे 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 से मजा आ जाए। हाथ तो देखना है, मार देखना चाहते हो किसकी? इंग्लैंड की। इंग्लैंड या फिर और एक चीज जिसके बारे में बात करना चाहता था, रोहित रोहित चैंट चल रही है बीच में, चार पांच चिरांड वो विराट वाली भी है बेमतलब। ठीक है भाई, लेकिन दोनों की लड़ाई थोड़ी है। सही बात है भाई, एक टीम से खेलते हैं। तो मैं कह रहा था द बिगेस्ट डाउनग्रेड एवर इज हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम गोइंग फ्रॉम पेप्सी कोका कोला टू बॉटल दिखो कैंपा कोला, इतना घटिया। मतलब बाटू भाई ने काफी ऐप डिस्क्रिप्शन दी है भाई, कोई पाचक होता है ना पचाने का, कोई चूरन वो मिलाते हैं लोगों को, आफ्टर टेस्ट में कुछ पाचक वाचक टाइप का टेस्ट आता है। बहुत ही घटिया टेस्ट है भाई जी भी है। चलो सहर है, बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला हिसाब किताब। हल्के से टट्टे शॉट हो गए, रोहित शर्मा को आउट दे दिए और अभी तो रिव्यू लिया हुआ है, पीछे रिव्यू चल रहा है वो देखो। बाटू भाई, हाँ भाई, क्या उधर देख लो ना भाई, है नो बैट इन ग्रैंड है चैट। क्या किया भाई, करता बॉल आउट, क्यों मारना था, क्या किया आउट। सपोर्ट तो क्रेजी है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टेस्ट मैच में। हेलो ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय सॉरी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अब हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं चैट, इससे पीछे स्टेडियम में कुछ नहीं है लेकिन यहाँ से व्यू सबसे बेहतर है, और यहाँ पे हवा भी लग रही है और धूप भी नहीं है, क्या बात है भाई, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं हो। हाँ, यहाँ से बस यहाँ से पानी पीने जाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब पानी लेके आएगा तो देखते हैं वरना तो प्यासे रहेंगे आज, देखते जितना स्टोर में है उतने से चल जाए तो ठीक। इंडिया अभी 81 for 3 है चैट, चार ओवर बाकी है, उसके बाद फिर अपना 150 रन कुछ बचे हैं अभी, कल का दिन तो होगा मुझे लगता है। हाँ होगा, मैच तो स्लो है अभी, इंडिया ने पार्टनरशिप तो बनाई है बट आई थिंक बनाना इस पॉइंट पे बहुत जरूरी है, कल का पूरा दिन है तो रन रेट की तो कोई दिक्कत है नहीं, आई थिंक वी जस्ट नीड अ पार्टनरशिप मैच। मेरा तो यही आलंकन है कि आज इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, आलंकन क्या होता है, आकलन है। आकलन वही मैंने अचानक थोड़ा सा दिमाग हील किया अभी बहुत धूप लग गई है तो अब थोड़ा हील गया, आपको व्यू दिखाता हूँ। हाँ गया भाई, ये व्यू ज़्यादा बेटर है भाई, देख रहे हो चे पूरा स्टेडियम फुल है भाई, काफ़ी भीड़ है भाई, टेस्ट मैच के हिसाब से तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। हमेशा की तरह सिंगल में तालियों की गड़गड़ाहट, क्या हो गया बाटू इतने थके थके कि भाई, आज मुझे वो रियलाइज़ हो रहा है तो ग्लूकोन डी की एड में जो बच्चे को सूरज चूस लेता था ना, उस बच्चे को कैसा लगता होगा आज, मुझे बहुत दिन बाद ऐसा रियलाइजेशन हुआ भाई। मतलब ऐसी धूप में भाई, मतलब गर्मी में तो मतलब मैच हो गया तो मर जाएंगे भाई, पांच ओवर में खत्म,
अभी हमने सिर्फ 25 ओवर देखे हैं भाई, गड़ फट गई है। हम लोग पहले, मैं दिखाऊंगा, हम लोग पहले बहुत नीचे बैठे हुए थे, एकदम सामने पहली सीट थी, मतलब वो फर्स्ट हम लोग पहले फर्स्ट रो में बैठे थे, हम लोग लास्ट रो में, मतलब एकदम पीछे बैठे हुए, देयर इज नो इन बिटवीन। बट भाई यहाँ पे एटलीस्ट शेड है और यहाँ पे थोड़ी हवा भी चल रही है, हाइटेड है तो पहले तो ये भी नहीं हुआ करती थी। हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच देखने आए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम, एग्जैक्ट यही स्टैंड था, थोड़ा नीचे बैठे थे, स्टैंड था बस वो नीचे बैठे थे, थोड़ा नीचे बैठे थे बट एग्जैक्ट यही स्टैंड था। उस दिन विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने बहुत बढ़िया खेला था, लास्ट में हार्दिक पांड्या, बट आज तो तीनों नहीं है और डामाडोल लग रही है कश्ती। 95 हुए हैं अभी, कितने हुए हैं, 136 रन और चाहिए, क्या लग रहा है, एक सेशन में बन तो सकते हैं, आज खत्म हो सकते हैं, 136 आज भी खत्म हो सकता है अगर बन गए तो, मतलब ये तो लॉजिक है, टारगेट चेज हो गया तो आज। वाह भाटू भाई ने जो 220 आईक्यू वाली बात की है, भाटू भाई का कहना है कि अगर 136 आज बन गए तो आज खत्म हो जाएगा, मुझे लगा था नहीं बनने के बाद भी कल आना पड़ेगा सबको, 20 राउंड भागने पड़ेंगे ग्राउंड के। क्या बोल रहे, तुम थक गए हो यार, तुम थोड़ा आराम करो पुत्र पालक। भाई आप मार सकते हैं 136, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, 30 ओवर इस ऐप अगर T20 खेलना शुरू करें यहाँ से, विकेट बचा के T20 खेलना पड़ेगा, जो बात है साहब, नहीं लेकिन नहीं करेंगे, आई थिंक लास्ट सेशन में बहुत रिस्की है, थोड़ा सा रिस्की है उसमें बात हुआ, दे विल थिंक कि बस विकेट लूज ना हो, बाकी तो रन बने ना बने, कल का पूरा दिन पड़ा है अभी तो, इट्स ओके। ये चैट हमारी तो हालत, मेरी तो खराब है भाई, भाटू भाई का मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं तो फील कर रहा हूँ डिहाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा, यहाँ से निकल के एटलीस्ट 15-20 किलो लीटर ORS पीना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, दो बोतल ORS कर देंगे और यहाँ से घर जाते तक या तो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाके ड्रिप चढ़वा देंगे, बगल में ही है किम्स हॉस्पिटल, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये व्लॉग ना रिलीज हुआ तो समझ जाना कि हमारा अंत यही हो गया था, हैदराबाद क्रिकेट। भाटू भाई बेचारे 4 बार कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर चुके हैं, चैट आ ही नहीं पा रही है यहाँ तक, भाई सबसे पीछे बैठ के दिक्कत हो, वो बेचारा लेके आता है 8 कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है। अब लोग थोड़ा सो रहे हैं, 15 मिनट की पावर नैप, टी चल रही है अभी, आई थिंक वी विल रेस्ट आवर आइज फॉर बिट, उनको पिलाएंगे भाई, तुमको क्या हो गया है भाई, अगर हम चलेंगे वहाँ ड्रेसिंग रूम हमको टी पिलाएंगे, तुम चलोगे कैसे, तुम ये बताओ, चलो मैं पिला दूंगा अगर चल गए, बट तुम चलोगे कैसे, तुम वो बताओ, टॉप के चलेंगे सीधा ग्राउंड, जारवो जैसे भाग जाए ग्राउंड के अंदर, पागल हो चुके हैं, चलते हैं भाई बाद में मिलते हैं। टी के बाद पहला ओवर और बापू वापस पवेलियन में, लगता है अक्षर पटेल को प्रॉपर मसाला नहीं मिला चाय के साथ, चाय के बाद चुस्ती आती, इसको नींद आई। क्या कमी रह गई भाटू, हैदराबाद की चाय में जो अक्षर पटेल कड़क नहीं थी लगता। मसाला नहीं मिलेगा, मसाला कैसे मिलेगा, मसाला तो सारा संजय दत्त के पास है। अब लालू भाई के फेवरेट प्लेयर आ गए बैटिंग करने, जिसका कमजोरी पूरी दुनिया को पता है, बाउंसर अभी मारकूट आएगा 100%। मेरे को लग रहा है मेरा आकलन सही होने वाला है और आज ही खत्म हो जाएगा मैच, इंडिया 95/4 ना, मतलब आई थिंक 3-4 ओवर पहले जो अक्षर पटेल ने 3 चौके लगातार मारे तो उसके बाद एक भी रन नहीं बना, सिंगल भी नहीं बना, बहुत आराम से खेलने की कोशिश है, उसमें भी विकेट लॉस हो गया। अश्विन आया क्या, नहीं श्रेयस अय्यर आया, श्रेयस अभी अश्विन नहीं आया, जाएगा उसमें जड्डू आएगा, जड्डू गया उसके बाद फिर अश्विन जड्डू को जाएगा, भाई नहीं जाना जड्डू को मारना है।
वाडू भाई, वाडू भाई है फॉल्स ऑफ में मेरे हिसाब से तो अगले 5 से 10 ओवर के बीच में जी जी डब्ल्यू पी है। ये मैच नहीं हारना चाहिए यार, मतलब ये बहुत इजी था। चलो बताते हैं चैटा वाडू भाई क्या हो गया, वाडू भाई क्या हो गया, वाडू भाई है भाई चुकी है, चुकी है और कुछ नहीं। वाडू भाई छठा विकेट गिर गया क्या वाडू भाई? वाडू भाई किसी की प्रिडिक्शन सही होने वाली है क्या वाडू भाई? हाँ वाडू भाई इस भोसड़ी वाले से उम्मीद थी यही राउंड होके गया है भाई। बेन स्टोक्स ने क्या मारा है भाई, मतलब क्या फील्डिंग बहन, ये डिफरेंस है। कल इंडिया ने कितने कैच छोड़े, 3-4 कैच छोड़े कल इंडिया ने। अभी तुम देख रहे हो भाई शिखर भरत और श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं और मैं क्या बात करके बैठू है। इसके बाद रवि अश्विन बस खत्म, मोहम्मद सिराज खत्म, जसप्रीत बुमराह अश्विन पे खत्म है भाई, इस चीज को जानो, अश्विन पे खत्म हो जाती है भाई। आज तो शामी भी नहीं है कि 5-6 छक्का मार देगा। लॉर्ड्स का बदला हो गया भाई, कि ट्रम्पेट लेके आए क्या तब से देख तो बाजी आर्मी है ना, वो लोग यही करते हैं। जैसे इंडिया की वो है क्या, भारत आर्मी है ना इंडिया की, जो जाती है हर क्रिकेट मैच में हर देश में, वैसे ही बामी आर्मी है, वो लोग भी आते हैं। बट बेन स्टोक्स भाई लवली भाई, मतलब यू हैव टू गिव हिम प्रॉप्स भाई। वो तो भाई ऑब्वियसली भाई, ये तो चुतिया है, रन लेना नहीं था जहाँ पर वहाँ पर रन ले रहे हैं, जब लेना था वहाँ पर। वाडू भाई ने हमारे वीडियो में आने से मना कर दिया, आओगे आप शुक्र बनाओ दोस्तों कि मैं सट्टेबाजी नहीं करता हूँ, वरना मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा एक बार में। अकेला था मैं भाई पूरे स्टेडियम में, आई थिंक जिस दिन तुम लगाने जाओगे उसी दिन गलत हो जाओ। हो तो चलो अगर मैं कभी लगाऊ तो की बात है, बट भाई मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी सोचा होगा कि इंडिया आज ऑल आउट हो जाएगी। जा रहे हैं भाई लोग, हो गया, बहुत धूप खाली है चेक, लोग जाना शुरू हो गए, दिख रहे इंग्लैंड ने BF कर दिया है पूरी तरीके से। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा नहीं बता सकता, बट हाँ जो भी है वो कर दिया है इंग्लैंड। और अर्ली एग्जिट, पीपल आर हेडेड फॉर एन अर्ली एग्जिट। अच्छा ही है भाई, थोड़ा देर आराम करिए। अभी भी कुछ लोग हैं चूतिए जो इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इंडिया यहाँ से 125 रन चेज कर लेगी और 3 विकेट हाथ में है। क्वाइट क्लियरली ये सिर्फ बच्चे हैं जिन्होंने ज़िंदगी नहीं देखी है, दुनिया से दुनिया की सच्चाइयों से वंचित है वो। क्यों भाटू भाई, जी जो दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ है वो ऐसे दिखते हैं, मुंह छुपा रहे हैं अपनी टिकट से और शांत है, चुपचाप बैठे हुए हैं। जिन्होंने रोहित शर्मा की जर्सी भी ली थी खास इस मैच के लिए, वो चुपचाप बैठे हैं भाई। दिस बैटिंग लाइनअप इज नथिंग भाई, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे से ये जो डाउनग्रेड हुई है हमारी बैटिंग लाइनअप, दिस नीड्स टू बी स्टडीड भाई। मतलब आई थिंक इट्स सिमिलर फॉर सिमिलर टू गोइंग फ्रॉम कोका कोला टू कैंपा कोला, वैसा ही है भाई। और कैंपा कोला में कम से कम पाचक का तो टेस्ट आता है, इस बैटिंग लाइनअप में तो कुछ है ही नहीं भाई। भाई 225 विथ 5 सेशंस, 10 विकेट्स इन हैंड एट योर होम, फर्स्ट टेस्ट ऑफ द सीरीज and you throw it away. What to buy? Ashwin and Naga. Ashwin out हुआ तो चलते हैं भाई, सिराज को देख के जाएंगे, क्या बात कर रहे हो, क्या देखना है तुमको, आएगा तो बॉल फिर आउट होके चला जाएगा। क्यों बोल रहे हो यार ऐसा, लोकल बॉय क्या पता एक आध चौका का भी मारते तो लोग, लोकल बॉय का पिछला इनिंग नहीं चला। बाटू भाई मार खिलवाएंगे और कुछ नहीं, कॉट बिहाइंड की अपील हुई थी, नॉट आउट दिया गया है और DRS लिया गया है।
क्या लग रहा है भाटू भाई देख के, आठवां विकेट है कि नहीं? डीआरएस देख तो ले, आ गया चैट, मोमेंट ऑफ ट्रूथ चैट। नॉट आउट, नॉट आउट, वी आर अलाइव बेबी। I am very much dead. We are playing for a draw. Badu bhai, main kya keh raha tha? If you think about it, sirf 660 ball nikalni hai. Ashwin, 60 to nikal gaya. Sirf 660. Bhai, Shrikar marat hai bhai. Kya yaar tum, matlab ball of India. कौन सा उसका कोच है? मैं कैसी भी, मतलब मैं झूठी सांत्वना भी नहीं दे पा रहा हूँ भाई, इतना अनरियलिस्टिक लग रहा है इससे। रियलिस्टिक तो है भाई, जीत तो घंटा नहीं पाएंगे। बट डू यू थिंक इफ वी कैन गो इनटू टुमारो विद 3 विकेट्स इन हैंड एंड फॉर 50-60 ऑड रन्स टू चेस, इट इज डूएबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मतलब गाबा में भी, व्हाट वर द ऑड्स गाबा में? देयर वर ओनली ऑड्स भाई, वो गाबा नहीं था, वो गांडवा था जो हमने कर दिया था, लग चुकी थी गांड हमारी। वो कैसे रहने निकलवा दिया है, मैं कोई नहीं जानता उस चीज को। वो एक बार हो गया वो हो गया, वो अगली बार वापस नहीं हो सकता, कोई टीम नहीं कर सकती वो चीज। तो मतलब अब तुम्हारा भी वही प्रेडिक्शन है जो मेरा था, तुम मेरी साइड आ गए हो, मतलब। हाँ भाई, चुट चुके हैं पूरी तरीके से भाई, पूर्ण प्रकार से, पूर्ण प्रकार से। चलो भाटी भाई को साथ बना देने की भी जरूरत नहीं है, उनको विश्वास हो गया कि हम चुट चुके हैं। मतलब श्रीकर भरत का तो भाई चैट इतना बुरा हाल है, 100 प्लस रन बनाने हैं भाई, 100 प्लस। श्रीकर भरत का 40 रन 50 रन होते तो भी मैं घर के लेना उम्मीद रखता हल्की सी। श्रीकर भरत का तो इतना बुरा हाल है, उसके बैट पे बॉल अगर कनेक्ट हो रही है तो लोग ताली बजा रहे हैं, भले ही फील्डर के हाथ में जा रही है सीधा, बट बीट नहीं हो रहा है। खाता नहीं खोल पाया है अभी तक, 11 बॉल, ए एक रन, ये खुल गया खाता, खुल गया खाता, देख रहे हो ताली है। How are you feeling? 8 wicket down? Kutni bhai neend aa rahi hai ghar chalte. But it was a good partnership. Shikhar Bharat aur Ravi Ashwin. Matlab though I was not expecting anything from this partnership, but they did very well. What do you think, 2 overs to go, will you be able to go into the next day? We will most, matlab yaar the thing is, I'm not sure. अभी हम लोग बात कर रहे थे, बाडू भाई बोलते हैं कि कल का दिन तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मैंने बोला भाई 4 ओवर बचे हैं अभी, तुम पनौती जब बोलते हो विकेट चला जाता है। देखते हैं चैट, अश्विन भी आउट, नीचे से गाली बक के भेजा गया था कि साले अगर खेलना है तो आज मैं खत्म करूं, नहीं तो जल्दी आउट हो के आओ। मेरे को गुस्सा पता है किस चीज पे आ रही है, कि लौड़े जैसे 3 घंटे से वो बैटिंग कर रहा था, 2 घंटे से, और अब जब खेलना था तो आउट हो गया। मोहम्मद सिराज आ रहा है बैटिंग करने में। क्या बोल रहे हो बाड़ भाई, उम्मीद जग रही है आपकी? मतलब उतनी नहीं जग पाएगी जब तक 10 रन नहीं बाकी रहा। 32 टू विन है चाहे, लेकिन एक विकेट इन हैंड है। मान लो कि 30 रन चाहिए अगले दिन तक पहुंचा दिए इन लोग, नहीं अगले दिन नहीं जाएगा, आज ही होगा। आज कैसे होगा, हर ओवर में 4-5 रन तो मार ही रहा है, 4-5 ओवर तो हो ही जाएंगे। नहीं तो और ज्यादा बचा थोड़ी है, कौन सा ओवर चल रहा है, 6 हो गया, 3 ओवर बाकी है, 3 ओवर में 30 रन नहीं बन पाएगा भाई, T20 तो ही चल रहा है। क्या पता भाई, क्या, अरे एक रन और, 30 रन बचे चैट, सिर्फ 30 रन। ये क्या था भाई, ये 3 होता है, 30 बचे, 3 नहीं बचे, 30 30 अच्छा ठीक है, तो ऐसा
स्पेसिफाई करो यार। मैच हो चुका है खत्म, काफी इवेंटफुल एंडिंग। बट भाई क्या कहना चाहेंगे, काफी रोमांचक मैच। हाँ। एक पॉइंट के बाद उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर लास्ट की दो पार्टनरशिप ना भाई, मतलब इस पूरे पूरे के पूरे सीरीज की सबसे बेस्ट पार्टनरशिप वो दो लास्ट पार्टनरशिप। हाँ, मतलब ये लोगों को तो मतलब अश्विन, भरत, राहुल, रोहित शर्मा और मतलब सिराज और बुमराह ऑल्सो फॉर दैट मैटर भाई। आखिरी पार्टनरशिप भी भाई पूरा स्टेडियम होप्स में था भाई, वो कितने 18 रन तो मार दिए उन्होंने, बहुत फास्ट भाई, बहुत फास्ट। कितने रन बचे थे, 29 रन, 28 रन तो बचे थे। अश्विन सबसे गलत आउट हुआ, बट ठीक है चलता है, इट इज बेस्ट। बाकी चलो यार अच्छा था मैच, और आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। भाडू भाई हमारा डे 4 का टिकट खरीदने का मतलब डिसीजन वाज वेरी गुड, सेक्सी था, सेक्सी डिसीजन। गेस हुज आईडिया वाज इट, गेस योर्स ट्रूली। चलो चैट, आई थिंक दिस वाज इट फॉर आवर फर्स्ट व्लॉग। थैंक यू भाडू भाई, होप यू ऑल आल्सो हैड फन। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।